हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल नंबर से आधार नंबर को पता करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको अपने आधार नंबर की अर्जेंटली जरूरत पड़ जाती है और आपको अपना आधार नंबर नहीं पता रहता, या फिर आपका आधार कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है और आप अपने आधार नंबर को पता करना चाहते हैं, क्योंकि बिना आधार नंबर के आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते, तो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर से अपने आधार नंबर को कैसे पता कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल नंबर से आधार नंबर को पता करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है और गूगल सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI। टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आप आधार कार्ड के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर से आधार कार्ड नंबर को पता करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है आधार सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे। आधार सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा और आधार से रिलेटेड आपके सामने सारी सर्विसेज निकल कर आ जाएंगी। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर से आधार नंबर को पता करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिट्राइव आधार, इसके नीचे आपको एक लिंक देखने के लिए मिल जाता है रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगेटिंग EID UID, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन निकल कर आ जाएंगे। पहला ऑप्शन मिल जाता है आधार नंबर। अगर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आधार नंबर को पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप एनरोलमेंट आईडी को पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर को पता करना चाहता हूँ तो आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है एंटर नेम, जो भी आपके आधार कार्ड पर नेम है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। नेम को टाइप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं एंटर मोबाइल नंबर और फिर नीचे आप देख सकते हैं और मैं एंटर ईमेल एड्रेस, इन दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर को टाइप करने के बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है। आपको जिस तरीके से कैप्चा कोड दिख रहा है उसी तरीके से आपको कैप्चा कोड को टाइप कर लेना है। और अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो साइड में आपको रिफ्रेश का बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ओटीपी को टाइप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर आधार नंबर और जो भी आपका आधार नंबर है उसके पीछे के यहाँ पर चार अंक देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके साइड में आप देख सकते हैं इस सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आपका पूरा आधार नंबर वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है और वहां से आप अपने आधार नंबर को पता कर सकते हैं। और आप उस आधार नंबर से अगर आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने उस आधार नंबर से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर से आधार नंबर को बिल्कुल आसान तरीके से पता कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।